मारूफ नाम इसका फातिहतुल किताब या वही फातिहा जो हम बोलते हैं। इसका मशहूर नाम है और इसकी अजमत के लिए इतना ही काफ़ी है कि पैगंबर फरमाते हैं, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। कोई भी नमाज उस वक्त तक नमाज नहीं है जब तक कि सूरह फातिहा की तिलावत ना की जाए। दूसरे सूरे के लिए कभी कभी छूट है आदमी के लिए, हालत खौफ में सिर्फ सूरह हम्द पढ़ के रुकू कर सकता है आदमी। यानी खौफ का मतलब कभी जंग का मैदान हो या आदमी अकेला मुसाफिरत में हो और इतना कीमती सामान उसके पास हो कि चोरी का डर भी हो, तो आदमी उस डर के एहतमाल के बुनियाद पर भी इंसान सिर्फ सूरा पढ़ के, एक छोटा सूरा ना पढ़ते हुए सूरह हम के बाद डायरेक्ट रुकू में जा सकता है। लेकिन कोई भी नमाज चाहे वाजिब हो चाहे मुस्तहब, सूरह हम के बगैर नमाज नहीं है। मुमकिन है कि बाज़ लोगों के जहन में हो कि फिर नमाज जनाजा का क्या, उसमें तो कोई सूरा ही नहीं है। तो वो दर हकीकत नमाज नमाज ही नहीं है ना। जो नमाज जनाजा हम कहते हैं वो एक मरहूम के लिए सिर्फ दुआ है ना। चूंकि अरबी में लफ्ज़ सलात के असल माना दुआ ही के हैं, है ना। ये जो हम नमाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये कसरत इस्तेमाल के एतबार से है, लेकिन डिक्शनरी के एतबार से हम देखेंगे तो सलात के मानी दुआ ही के हैं, जिसमें खुदा को पुकारा जाता है और खुदा को याद किया जाता है। बहरहाल क्यों इस सूरह का इंतखाब किया गया है, यानी क्यों सूरह हम्द का पढ़ना ज़रूरी है, बगैर इस सूरह की तिलावत के नमाज मुकम्मल नहीं है, उसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह है कि अल्लाह ने सूरह हम्द में पूरे कुरान के खुलासे को रखा है। तमाम बातें जो बाकी पूरे कुरान के हिस्से में अल्लाह ने बयान किया है, तमाम मतालिब को, उन तमाम मतालिब और मफाहिम का खुलासा सूरह हम्द में पाया जाता है। लिहाजा जिसने सूरह हम्द पढ़ लिया गोया उसने पूरा कुरान भी पढ़ लिया। तो पूरे कुरान के खुलासे को बयान करने की गरज से ये सूरह का इंतखाब नमाज में किया गया है। और बहरहाल सूरह की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, वैसे तो हर सूरह की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है, लेकिन आयत के तौर पर बिस्मिल्लाह को काउंट नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में यानी सूरह हम्द में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत के हिसाब से काउंट किया गया है। अगर आप अभी तक कभी गौर नहीं किया है तो आज गौर कर सकते हैं आप कुरान उठा के, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आयत नंबर 1 सूरह हम्द में। बाकी सूरों में सूरह का जुज है बिस्मिल्लाह, लेकिन आयत के हिसाब से काउंट नहीं किया गया है। तो ये बहरहाल एक बात आ रही थी तो इशारा कर देना मुनासिब था। और अगली बहस जो इसमें होती है, सूरह हम के अलावा दूसरे सूरों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह का जुज है या नहीं, तो इसके बारे में तीन अकवाल हैं। चूंकि हमें उस पर बहस नहीं करनी है, अगर किसी को ज़रूरत है तो बाद में हमसे वो दरियाफ्त कर सकता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ा जाता है, और ये भी आपको मालूम है कि तमाम नमाजों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ में पढ़ना ये मोमिन की अलामत करार दिया गया है ना। यानी 11वें इमाम ने जो 5 मोमिनीन की अलामत बयान की हैं, 5 अलामतों को, उनमें से एक हर नमाज में है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज में पढ़ना। यानी जोहर और असर की नमाज इख्फात में आती है, आहिस्ता पढ़ने वाली नमाज है ना। इस
इसके बावजूद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज में पढ़ना मुस्तहब है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इंतखाब इसलिए भी किया गया है कि उलमा बयान करते हैं ये इसमें आज़म से करीब है, यानी खुदा का एक इस्म है जिसे इसमें आज़म कहते हैं और उस इस्म से सबसे ज़्यादा करीब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जी कितना करीब है, रिवायत है तफसीर नूरुस्सकलैन जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 8 में पैगंबर फरमाते हैं कि इसमें आज़म से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतना ही करीब है जितना इंसान की आँख में स्याही सफ़ेदी से करीब होती है। एक आँख को आप देखें, आँख में इंसान के अंदर एक स्याही भी है, काला रंग भी है, फिर सफ़ेद भी, तो इतना पास पास है। तो जितना ये दो चीज़ें पास हैं इंसान की आँख में उतना ही ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आज़म से करीब है। अच्छा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में 114 मरतबा है, सूरों में 113 सूरों की इब्तिदा में आया है, लेकिन सूरह नमल में 2 मरतबा आया है। सूरह नमल में आयत नंबर 26 में भी एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। इस एतबार से 114 मरतबा सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में मौजूद है और ये हर सूरे के एतबार से बिस्मिल्लाह है, लिहाजा उलमा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की 114 तफसीरें की हैं। है ना, हम लोग आमतौर से सिर्फ एक ही तर्जुमा हर सूरे की इब्तिदा में करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उलमा ने मुफस्सरीन ने चूँकि हर सूरे का एक अलग मज़मून है उसी एतबार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर भी बयान की है। अच्छा आयतुल्लाह जवादी आमली की एक तफसीर का मुताला मैं कर रहा था ऐसे ही, तो मैंने देखा कितनी मेहनत इस बंदे खुदा ने की है, खुदा ही बेहतर जानता है कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर के ज़ैल में 69 किताबों का हवाला इन्होंने पेश किया है। है ना, आयतों और रिवायत का सहारा लेते हुए 69 हवाले जात पेश किए हैं सही सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से। और आयतुल्लाह जवादी आमली हों या दीगर कई मुफस्सरीन हैं, उनका नज़रिया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक मरतबा नाजिल नहीं हुआ कि बाद में पैगंबर ने हर सूरे का जुज करार दिया, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 मरतबा नाजिल हुआ है, अलग अलग मुनासिबतों में सूरे के एतबार से 114 मरतबा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुआ। अच्छा बात आ रही है तो मैं अर्ज़ कर दूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबसे पहला तर्जुमा जनाब सलमान फारसी ने किया था ईरानियों की ख्वाहिश पर। है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही इसका तर्जुमा सबसे पहले जनाब सलमान फारसी ने फारसी ज़बान में किया था, यानी उनसे पहले किसी और ज़बान में बिस्मिल्लाह का तर्जुमा नहीं हुआ था। और जो उन्होंने तर्जुमा भी किया था वो भी आज की फारसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनकी एकदम दरी और प्योर फारसी, जैसे अब उर्दू आज की 100 साल की उर्दू हम पढ़ेंगे तो इतना आसानी से हमारी समझ में नहीं आता, एकदम गाढ़ी उर्दू, उससे और पीछे चले जाएं तो ऐसे लगता है कि हम फारसी पढ़ रहे हैं, दूसरी जबान पढ़ रहे हैं इतना। तो अब आजकल सलीस और रवान बयान करने के लिए एकदम सिंपल जबान है ना ज़माने के एतबार से, तो सलमान फारसी ने जो तर्जुमा किया है उसका बेनाम यज़दान बख्शा बंदे है ना, तो आज बेनाम बख्शंदे मेहरबान के नाम से तर्जुमा किया जाता है, लेकिन उन्होंने किया है बेनाम यज़दान, यज़दान खुदा के नामों में से एक है, तो शुरू उसके नाम से जो है ना बख्शा बंदे यानी बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, जैसे आज हम कहते हैं
نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا، صحیح؟ اچھا، تو بہرحال ہمیں بسم اللہ کی فضیلت بیان نہیں کرنی ہے، لیکن ایک روایت اور ایک داستان ہے۔ روایت پیغمبر سے یہ ہے کہ یہ فریقین نے، یعنی اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کل امر ذی بال لم یمدع باسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ ادھورا رہتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ہے نا؟ اگر وہ کمپلیٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں برکت نہیں رہتی۔ ابتر کا معنی یہی ہے، ابتر فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم بریدے، یعنی دم کٹا ہوا جانور، یعنی کیا وہ ایک عیب ہے جانور کے لیے، ناقص ہے وہ جانور اگر اس کی دم کٹ جاتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کو بھی جو تانا دیا جاتا تھا شہزادی کی ولادت سے ابتر کا، یعنی اب ان کے بعد ان کی نسل کٹی ہوئی ہے، کوئی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک داستان ہے بسم اللہ کے حوالے سے کہ ایک خاتون کی عادت تھی، پتہ نہیں اس نے کب سن لیا، ماں باپ نے اسے سکھایا تھا، تو وہ ہمیشہ ہر کام کے لیے اٹھ رہی ہے، کوئی چیز اٹھاتی ہے تو بسم اللہ، کوئی چیز کہیں پر رکھتی ہے تو بسم اللہ، کپڑا دھونا شروع کرتی ہے بسم اللہ۔ تو اس کا شوہر تنگ آ گیا تھا، کیا یہ بسم اللہ بسم اللہ، جیسے ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی خاتون کوئی عورت دیندار ہو، اس کا شوہر بھی دین ہو، وہ دین کا بار بار تذکرہ کرتا رہے، تو وہ بھی شوہر بھی کہتا ہے کیا رہی ہے میرے گلے میں آپ کو پڑی، کون سی تو مولی کی لنک ہونا تھا اسے کیا۔ تو اس طریقے سے چونکہ ایک دم مزاج ان کا نہیں ہوتا، تو ایک دن اس نے سوچا، یہ برکت میں بتا رہا ہوں بسم اللہ کی، تو ایک دن اس نے سوچا کہ آج اس کی بوزتی بند کر دوں گا، اس کے بسم اللہ کو میں جھٹلا دوں گا۔ یہ کیا ہے، اٹھتی بیٹھتی، کپڑا دھوتی، برتن دھوتی، ہر کام کے لیے بسم اللہ کہتی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے ایک ہیرا خریدا اور لے آ کے اس اپنی زوجہ کے حوالے کیا، تو زوجہ نے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ تو شوہر نے بھی دیکھ لیا، عورت کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو ذلیل کرنے کے لیے اس نے ہیرا چوری کیا اور لے جا کے ایک سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کئی دن گزرے تو اب یہ سوچتا ہے کہ اب تک تو ہیرے کا کوئی عطا پتا وغیرہ ہے نہیں، صحیح؟ تو اب یہ ذلیل ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی بولتی بند ہو جائے گی، یہ کیسا تیرا ایمان ہے، کیا تو بسم اللہ بولتی ہے۔ تو اب یہ تو گیا، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ جس دن اسے سوال کرنا تھا کہ وہ میرا ہیرا کہاں ہے، اسی دن وہ مچھلی لے کر آتا ہے، وہ عورت پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اس مچھلی کو کاٹتی ہے، ٹکڑے بناتی ہے سالن وغیرہ کے لیے، تو پھر وہ ہیرا اسے ملتا ہے، لے جا کے رکھ دیتی ہے۔ اب یہ کھاتے وقت دسترخوان میں کہتا ہے، اے خانم، بہت دن پہلے ہم نے آپ کو ایک ہیرا دیا تھا، وہ کیا ہوا؟ تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اٹھتی ہے، جاتی ہے، بسم اللہ کہہ کے وہ الماری کھولتی ہے، لے آ کے ہیرا پیش کر دیتی ہے۔ تب یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسے پھینک دیا تھا سمندر میں، تو وہ تعجب سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتی ہاں آپ نے پھینک دیا تھا، لیکن جب آج ہی آپ مچھلی لے کر آئے تو اسی مچھلی کے اندر یہ ہیرا بھی موجود تھا، ہے نا؟ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ بہرحال انسان ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین بھی انسان کا ہونا چاہیے۔ ایک معمولی دوا بھی جو آپ ڈاکٹر سے لیتے ہیں، جب تک یقین نہ ہو تو وہ دوا بھی اثر نہیں کرتی، آپ چاہے تو تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا مہم ترین مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ہے کہ انسان پورے طریقے سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں خدا کی صفات میں سے ہیں، رحمان عام صفت ہے اللہ کی، یعنی وہ خدا
काफिर को भी देता है, मोमिन को भी देता है। ये रहमानियत का तकाजा है। लेकिन खुदा रहीम है का मतलब ये कि वो काफिरों को नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ मोमिनों को अता करता है। तो बिस्मिल्लाह का मतलब भी यह है कि शुरू अल्लाह के नाम से, सही। और अल्लाह तमाम खुदा की सिफात का खुलासा है। आप उसमें राजिक ले लें, कादिर ले लें, हय्यु कय्यूम ले लें, जितने भी खुदा के अस्मा और सिफात हैं, इन तमाम सिफात का खुलासा लफ्ज़ जलाल अल्लाह में पाया जाता है। तो हर नमाज की इब्तिदा यानी नियत के बाद, तकबीरतुल इहराम के बाद, इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से नमाज शुरू करता है। तो यानी नमाज में इंसान ये एतराफ़ करता है कि मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ जो रहमान भी है, रहीम भी है, ने मुझे दुनिया की तमाम नेमतें अता करने वाला भी खुदा ही है और आखिरत में भी अजर व सवाब देने वाला खुदा आता है। इंशाअल्लाह खुदा बंदे आलम हम सबको सही मानी और मफाही में नमाज को दर्क करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो इस वक्त परेशान हैं दुनिया भर में और जो बीमार हैं, उन सब की सेहत और सलामती और उनकी परेशानियों के दूर होने के लिए एक मतलब सलावत पढ़ दें। मुहम्मदो आले मुहम्मद।